शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी आलिया भट्ट। घर बसाने से पहले ही कर ली बेबी के आने की प्लानिंग। रालिया के बेबी की डिलीवरी डेट ने खोल दिया राज। भाई एक तरफ तो बॉलीवुड के पावर कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के फर्स्ट बेबी के आने की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। वहीं हाल ही में जूनियर कपूर के बेबी की डिलीवरी डेट भी सामने आ चुकी है। वैसे तो इस बात से रालिया के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन 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 डिलीवरी डेट ने एक और बात से पर्दा हटा दिया है, जिसने एक बार फिर बी टाउन के गलियारों में बज बना दिया है। दरअसल हाल ही में आई लेटेस्ट खबरों के मुताबिक आलिया का बेबी 20 से 30 नवंबर के बीच पैदा हो सकता है। पहले खबरें थी कि आलिया दिसंबर में बेबी को जन्म देंगी, लेकिन अब इसी महीने ही जूनियर कपूर की किलकारी गूंजने की खबर सामने आ रही है। वहीं जब लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया तो उन्होंने कयास भी लगा दिए कि अगर वाकई नवंबर में आलिया की डिलीवरी होगी तो इस हिसाब से तो वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। आलिया ने इसी साल 14 अप्रैल को रणबीर कपूर संग शादी रचाई थी। वहीं शादी के ढाई महीने बाद ही आलिया की प्रेगनेंसी की खबर उन्होंने सोशल मीडिया पर सुनाई थी और अब खबर है कि नवंबर में उनका बेबी भी दुनिया में आ जाएगा। इसी वजह से इस बात ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है कि क्या आलिया अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी, क्योंकि शादी से लेकर उनकी डिलीवरी डेट तक सिर्फ 7 महीने ही पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस बात का सबूत मिल रहा है कि उनकी प्रेगनेंसी शादी से पहले ही हो गई थी और उन्होंने आनंद फानन में शादी की थी। शादी भी उनके घर पर ही चुनिंदा लोगों के बीच हुई थी, जिससे इस बात ने लोगों की अटेंशन ग्रैब कर ली थी। वैसे इससे पहले जब आलिया ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट करते हुए जो पोस्ट शेयर किया था, उसमें उन्होंने सोनोग्राफी की पिक्चर शेयर की थी, तब भी लोगों ने यही सवाल खड़े किए थे, क्योंकि अमूमन सोनोग्राफी प्रेगनेंसी के 3 महीने पूरे होने पर ही की जाती है। ऐसे में आलिया की सोनोग्राफी की तस्वीर वायरल होने के बाद ही मिसेस कपूर की शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की खबर ने जोर पकड़ा था। अब ये बात तो आलिया रणबीर ही अच्छे से जानते होंगे कि उन्होंने शादी से पहले ही जूनियर बेबी की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे दोनों के बीच की उम्र का फासला भी रहा हो, क्योंकि एक तरफ जहां आलिया तो अभी 29 साल की ही है, वहीं रणबीर 40 की उम्र पार कर चुके हैं। ऐसे में उन्होंने बेबी की प्लानिंग जल्दी भी कर ली हो तो हैरानी की बात नहीं होगी। बता दें कि इस समय आलिया प्रेगनेंसी के फेज को पूरा एंजॉय कर रही है। आलिया ने 27 जून को अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया था। 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद आलिया और रणबीर कपूर 14 अप्रैल 2022 को शादी के बंधन में बंधे थे। अब ये कपल जल्द ही मम्मी पापा भी बनने जा रहे हैं। उनके बेबी के आने का परिवार के साथ साथ फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।